तो जैसा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसे ये पता ही नहीं होता कि जो हम YouTube चैनल बनाए हैं इसका कैटेगरी क्या है, और किस तरह से हम कैटेगरी चूज करें और किस तरह से वो कैटेगरी सिलेक्ट करके रखना चाहिए जिससे हर वीडियो में आपका ऑलरेडी कैटेगरी सिलेक्ट रहे, बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आने का सिस्टम आप समझ सके हो कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। सिंपल से यहाँ से थ्री लाइन पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना और इस तरह से बहुत आसान से साइड पे आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक स्क्रीन थोड़ा फंस गया स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैटेगरी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन परमानेंटली के लिए आप यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये देखो सो मोर, यहाँ पे जो सेटिंग दिख रहा है इस पर टैप करना है। डिफॉल्ट सेटिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट में आ गया, एडवांस में आना, ठीक। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी सारा कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक शॉट ले लेते हैं, तो देखो जो भी कैटेगरी आपका यहाँ पे, लाइसेंस यहाँ पे, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद नॉन यहाँ पे हम किए हुए हैं, तो आपको कैटेगरी पे सिलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना कैटेगरी पे। और यहाँ पे देखो आप व्हीकल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो वो सिलेक्ट कर लो, कॉमेडी बनाते हैं तो वो एजुकेशन के लिए, ओनली एजुकेशन दे रहे हो तो एजुकेशन सिलेक्ट करो, हंसी फनी वीडियो बना रहे हो तो इंटरटेनमेंट, फिल्म का कुछ भी कास्टिंग वगैरह डाल रहे हो तो फिल्म, गेम खेल के कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो गेमिंग। नीचे में देखो पीपल्स एंड ब्लॉग, ब्लॉग बनाते तो ब्लॉग वाले सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे एनिमल्स का जो किट्स वगैरह बनाते हो वो सिलेक्ट कर लो। और अगर आप टेक्नोलॉजी टेक्निकल वीडियो बनाते हो, ये कैसे करे वो कैसे करे, तो आप यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे स्पोर्ट बनाते तो स्पोर्ट, और ट्रेवल इवेंट तो ट्रेवल इवेंट, इसमें से जो भी चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मेरा है टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेव है, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता, आपको यहाँ से सेव कर देना था। तो फिलहाल हम इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। और ये जो सेटिंग मैं बताया ये डेफिनेटली ऐसा सेटिंग है, एक बार करने के बाद आपको कभी भी छिड़खानी करने का जरूरत नहीं, हर हमेशा आपके वीडियो में यहाँ पे दिखता रहेगा और ये सेव रहेगा। तो इस तरह से आप एक बार में अपना कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो।